आलू आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही क्विकली बनती है। इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल की क्वांटिटी मैंने ये रखी है। तो तेल गर्म हो चुका है, इसका हम आज देख सकते हैं। काफी में हम डालते हैं जीरा। दो चम्मच या राइस कर देंगे। इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं। तो 3 से 3.5 चम्मच हमने डाला है। इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान है बनाना। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे हमारा मसाला भी पक जाएगा। लो रखी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिसे हुए टमाटर प्लस 1 हरी मिर्च। मैंने पहले से पीस लिया था। एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 हरी मिर्च डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद इसको हम लो फ्लेम पे ढक देंगे। फिर से एक बार इसको चलाएंगे क्योंकि कलर बहुत ही प्यारा आया है। इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे जिससे टमाटर बिल्कुल ही गल जाए अच्छे से। टमाटर हमारा बिल्कुल ही भून गया है, साथ ही साथ मसाला भी भून गया है। बहुत ही अच्छी महक आ रही है अभी से ही। बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। ये देखिए कलर बहुत ही प्यारा आया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप अपने अनुसार पानी रख सकते हैं। अब इसको हम कुकर बंद कर देंगे। फ्लेम हमने लो ही रखी है, मीडियम प्लस 2 सीटी के बाद हम इसको बंद कर देंगे। हमारे कुकर की 2 सीटी हो चुकी है। अब फ्लेम हम बंद कर देंगे प्लस इसको 2 मिनट के लिए सीजने के लिए छोड़ देंगे। तो कुकर की एयर बिल्कुल निकल चुकी है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है देखिए। एंड कुछ आलू इसमें मैच कर लेंगे जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारा आया है कलर की और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।